हेलो एवरीवन, आज हम सातवीं क्लास की उड़ान कार्य पुस्तिका में विज्ञान विषय का पाठ 14 हैं विद्युत धारा और इसके प्रभाव में आने वाले कार्य पत्रक को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें, और अगर आप अभी तक चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पर इसका कार्य पत्रक एक है और इसमें है कि सभी बच्चे तार, बैटरी व बल्ब की सहायता से निम्न परिपथ बनाएं। ये वाला परिपथ बनाना है और सारणी में दी वस्तुओं को इस परिपथ में लगा कर देखें कि किस वस्तु को जोड़ने पर बल्ब जलता है और किस में नहीं। तो अब आप बच्चों, यहाँ पर जैसा कि देख रहे हो, यहाँ पर ये बल्ब लगा रखा है, ये यहाँ पर है सेल, ये है बल्ब, ठीक है। और यहाँ पर इसको कुंजी बोलते हैं, ठीक है। कुंजी का मतलब होता है स्विच, और ये वायर है, ये है तार। तो इसने कहा है कि जब किसी वस्तु को जब जोड़ते हैं बल्ब जलता है या नहीं, तो वो बताना है हमें। तो यहाँ देखिए एक बार, ये कर्म संख्या और वस्तु के नाम दे रखे हैं। बल्ब जलता है हाँ या नहीं में आंसर देना है। वस्तु सुचालक है या कुचालक है ये पता चलेगा। अगर बल्ब जल जाता है तो वस्तु सुचालक है, और अगर बल्ब नहीं जलता है तो कुचालक आएगा। अब जैसे कि लोहे की कील है, अगर हम लोहे की कील वहाँ पर लगाते हैं तो बल्ब जल जाएगा, तो हम लिखेंगे हाँ, बल्ब जलता है हाँ। तो ये वस्तु का सुचालक है या कुचालक, ये है सुचालक, ये विद्युत का सुचालक हुआ। अब रबड़ बैंड है, बल्ब जलेगा नहीं, क्योंकि ये विद्युत का कुचालक है, यहाँ कुचालक आएगा। अब है सिक्का, अगर सिक्का हम लगाएंगे तो ये विद्युत का सुचालक है, हाँ लिखेंगे यहाँ, और यहाँ लिखेंगे सुचालक। अब इसी तरह से यहाँ पर कागज, कागज जब हम रखेंगे तो बल्ब जलेगा नहीं, क्योंकि ये विद्युत का कुचालक है, यहाँ कुचालक आएगा। चाबी रखेंगे हाँ, बल्ब जलेगा, तो ये सुचालक है। कपड़ा रखेंगे तो नहीं, क्योंकि कपड़ा जो है वो विद्युत का कुचालक है, यहाँ कुचालक आएगा। इसी तरह से यहाँ पर आगे पीतल का बर्तन रखेंगे तो हाँ, बल्ब जलेगा, क्योंकि ये विद्युत का सुचालक है, यहाँ सुचालक आ जाएगा। इसी तरह चौक नहीं, चौक जो है वो विद्युत का कुचालक है। इसी तरह से है यहाँ पर प्रकार, प्रकार हाँ, प्रकार जो है बल्ब जल जाएगा हाँ, क्योंकि प्रकार जो है वो विद्युत का सुचालक है। आगे दिया है दोनों तरफ से छिली पेंसिल, हाँ छिली पेंसिल भी, जब हम दोनों तरफ से छिली हुई पेंसिल रखेंगे तो भी बल्ब जलेगा, क्योंकि ये भी जो है वो विद्युत का सुचालक है, यहाँ पर सुचालक लिखेंगे। अब यहाँ कार्य पत्रक दो दिया है और इसमें देखिए एक बार, यहाँ दे रखा है ए बे द से, यानी इनके नाम बताने हैं हमें। यहाँ ऊपर, यहाँ एक बार नीचे देखिए, यहाँ इसने क्या कहा है कि उपरोक्त परिपथ में दिए गए प्रतीक ए बे से द के नाम लिखो, कि ये नाम क्या क्या हैं, इनके नाम पूछे हैं इसने। यहाँ देखो ये ए बे से और द, तो यहाँ सबसे पहले तो मैं वैसे ही आपको एक बार बता देती हूँ इसके नाम, यहीं पर देख लेते हैं हम। ये जो है ना बे, बे जो है वो बल्ब है, ये है ए, ए जो है वो सेल है, जैसे मैंने ऊपर भी बताया था आपको। ये जो से है ये है तार,
वायर है ये सारी, यहाँ से यहाँ ये सारी वायर है, और यहाँ जो ये द में दे रखा है ये कुंजी है, यानी ये लिखेंगे कुंजी, यानी कि ये स्विच है इसका ऑन ऑफ करने वाला। अब इसका आपको पता ही चल गया होगा, ए बेल और से और द क्या है, ए सेल है, बे बल्ब है, से तार है और द कुंजी है। तो ये नाम हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, हम लिख देंगे। ए क्या है बताओ, क्या है ए, ए है सेल, यहाँ सेल लिखेंगे। बे क्या है, बे है बल्ब। से क्या है, तार, और द क्या है, कुंजी। इस तरह से आपको ये नाम लिख देने हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि उपरोक्त परिपथ में कितने सेल लगे हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसने कि इसमें कितने सेल लगे हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर, यहाँ पर देखो, यहाँ एक सेल लगा है ना उपरोक्त पथ में, तो यहाँ हम लिखेंगे एक। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इस परिपथ में लगा बल्ब वर्तमान स्थिति में जलेगा, नहीं वर्तमान स्थिति में नहीं जलेगा, क्योंकि परिपथ खुला है, परिपथ खुला है। देखो ऐसे था वो, ऐसे ऐसे है ना, तो यहाँ से वो खुला है, अगर वो सीधा होता और इस तरह से होता तो वो जलता है ना, तो इसमें लिखेंगे नहीं, क्योंकि परिपथ खुला है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। देखो एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ऊपर देखिए एक बार, यहाँ देखिए ये परिपथ, यहाँ इस पर जो है ये परिपथ जो है वो खुला हुआ है, ऐसे खुला हुआ है ये, यहाँ पर अगर ये इस तरह से होता तो ये जलता। और अब आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखो यही क्वेश्चन था, परिपथ में कुंजी की क्या स्थिति है, क्या यह खुली है या बंद है। तो ये खुली है, मैंने जैसे आपको बताया भी, अभी ऊपर दिखाया भी है, ये खुली है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि संकेत से किस प्रकार के पदार्थ से बना है, विद्युत कुचालक या सुचालक, किस तरह से बना है ये बताना है। से जो है वो सुचालक आएगा, ये संकेत से किस प्रकार के पदार्थ से बना है, ये सुचालक, विद्युत सुचालक पदार्थ से बना। अब इसी तरह से यहाँ नेक्स्ट पार्ट आ जाता है भाई प्रकाश, और इसे हम नेक्स्ट वीडियो में ही समझेंगे। अगर आप बच्चों चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल का हिस्सा भी बनिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो हम फिर नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में ही मिलेंगे। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।